से नया इतिहास लिख देंगे। ना रहो सत्ता में इतना मग्न मस्त, तुम्हें अपने खून की कलम से हम कल में लिख देंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में इस समय हम न्यूज क्लिक की टीम के साथ खड़े हैं जंतर मंतर पे, जहां पर किसान संसद जल रही है। पिछले 13 दिनों से देश की राजधानी में किसान संसद कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है। आज का दिन महिलाओं के नाम है। आज 9 अगस्त को, 9 अगस्त का दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, आज के दिन यहां से ऐलान होने वाला है कि क्या मोदी सरकार गद्दी छोड़ेगी, क्या कॉरपोरेट गद्दी छोड़ेंगे। इस पर महिला किसान लगातार बोल रहे हैं, हम उनकी तरफ रुख करेंगे। उनसे बात करने से पहले जो गंभीर चिंता का विषय है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसी जगह जहां हाई सिक्योरिटी है, हाई अलर्ट है, वहां पर कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले सरेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। एक पूरा का पूरा उन्मादी समूह यहां पहुंचा और उसने सरेआम मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज की, उनको मारने की बात की, हिंसा की बात की, जबकि हम आपको दिखाते रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जितने बड़े पैमाने पर पुलिस छावनी बनी हुई है, सबके आई कार्ड चेक होते हैं, लेकिन गहरी दुख और चिंता की बात है कि यह उन्मादी भीड़ जब लगातार हिंसक नारे लगा रही थी, उनको रोकने का काम इस पुलिस ने नहीं किया। किसी की भी गिरफ्तारी की खबर हमारे पास नहीं है। यहाँ खेती के नाम पर किसान संसद लगा रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश की खेती खत्म ना हो, लोगों को खाने पीने को मिले, लेकिन देश की खेती को खत्म करते हुए नफरत की खेती को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नफरत और मुसलमान कौम के खिलाफ नफरत। आज तक मोदी जी ने एक बयान नहीं दिया, अभी ओलंपिक की नई नई बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो ये बच्चे किसके हैं? उन्हीं खेतों और मजदूरों के बच्चे हैं ना जो खेती करते हैं। तो क्या किसानों ने ऐसी क्या गलती कर दी? आप आज महिलाओं की संसद देख रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं आई हैं। कौन सी महिला है जो अपनी घर से, परिवार से, खेती से जुड़ी हुई नहीं है? उनकी खेती पे इन्होंने हमले किए हैं, उनकी रसोई पे हमले किए हैं, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगार कर दिया, बच्चे और बड़े सब सुसाइड कर रहे हैं, और किसानों के सुसाइड तो कहीं गिनती में ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे इशू हैं जिनको आज यहाँ पर बर्खास्त किया जाएगा। जब भी आपने सोचा था कि महिला किसान जो है किसान संसद का आखिरी दिन करेंगे? नहीं, हमने नहीं सोचा था। हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हमारे देश में कभी ऐसे एक और संसद भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो जो संसद लोगों ने चुनी है, जिनको चुनकर भेजा है, वो जिम्मेवारी अपनी जो निभा नहीं रहे हैं, इसलिए आज किसान जो है उनको ये जो मतलब दोबारा से अब इधर उनके सामने संसद लगानी पड़ रही है। और आज हम क्योंकि आखिरी दिन है, हम एक दिन के लिए MP बने हैं, हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम ये चाहते हैं कि आज इस हाउस में सारी औरतें इस विषय पर बोल रही है कि ये जो मोदी की सरकार है वो फेल हो चुकी है। कोई भी मुद्दा मतलब उन्होंने मतलब लोगों को ऐसा नहीं किया है कि लोग संतुष्ट हों, इसलिए हम आज हाउस में ये बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, वो कुर्सी के बैठने के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि जो हमारे आंदोलन है, जो हम पिछली कई देर से लड़ रहे हैं, उन आंदोलन जो ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, वो हमारे स्कूल, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ बन गए हैं, जहां हमने इकट्ठे बैठकर हमारे ऊपर हो रहे बेइंसाफी, जुर्म और तरह तरह की जो शोषण हमारे साथ हो रहा है, उसकी तहों को खोलने की कोशिश की है। हम इसी यूनिवर्सिटी जिसकी क्लासेस सिंघू में लग रही हैं, टीकरी में लग रही हैं, या हमारे गाजीपुर शाहजहांपुर बॉर्डर्स पे लग रही हैं, टोल प्लाजाओं पे लग रही हैं, जहां हम सिर जोड़ के बैठे हैं और हमने नया इल्म जो है वो इख्तियार किया है। आज हम कितनी अच्छी तरह से यहां देख सकते हैं कि आज से ही कुछ समय पहले जो सरकार, जो सभी पढ़े लिखे लोग इस तरह से अपने आप को समझते थे कि आम लोगों को, ग्रामीण लोगों को क्या पता कि क्या हो रहा है, वो क्या समझे कि कानून क्या होते हैं, उन्हें पूछने की भी क्या ज़रूरत, उन्हें बताने की भी क्या ज़रूरत। और आज आप सबकी बातें जो अलग अलग बॉर्डर से होती आ रही हैं, 12 दिन की पिछली संसद में यहाँ हुई हैं, उस बात ने ये तय कर दिया है कि हम कितना जानते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बुलंद महिला किसान नेता हरिंदर बिंदु जी से,
इनको हमने देखा है टिकरी बॉर्डर में ट्रैक्टर चलाते हुए, लोगों को साथ लाते हुए। आज महिला किसान संसद है, आखिरी दिन है, क्या मैसेज है आपका? आज जो महिला का आखिरी संसद है, हमारा मैसेज ये है कि जो मोदी सरकार है जे कारपोरेट पक्षी सरकार है और साम्राज्य पक्षी सरकार है। जो हम हिंदुस्तान के जो कीर्ति लोग हैं, जो किसान मजदूर हैं, मुलाजिम हैं, इनकी जे सरकार नहीं है, इनके हितों की राखी नहीं करती। इसने कारपोरेट घरानों को हमारे हिंदुस्तान को बेच दिया है, और बेचने के लिए जे हमारे जो हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इनमें बंडियाँ डाल रही है, और जो महिलाएँ हैं उनका बलात्कार शोषण कर रही है। इसलिए जे सरकार रहने के काबिल नहीं है। हमने जो संगठन हैं, खास करके महिलाओं के संगठन हैं, हमने जे बात का निश्चय किया है कि हम मोदी सरकार को रहने नहीं देंगे। அதாவது நாகை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கடலோர பிரதேசம் மீன்பிடி தொழிலாளர் சங்கம் அதிகமாக இருக்கு, அங்க பாதிக்கப்படுறாங்க. அதே போல வேதாரண்யத்தில் கடலை நிலக்கடலை விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது. மயிலாடுதுறை பகுதியில் கரும்பு விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது. இது போன்ற நாகை மாவட்டத்தில் அழிமானமாக விவசாயம் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான இந்த போராட்டத்தில் நாங்கள் நாகை மாவட்டத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்தே மொத்தமாக தமிழ்நாட்டு கை சாரே ஜிலோ கே பாரே மே பத்தாயா கி வஹா பர் கிசானோ கி க்யா க்யா பரிஸ்தித்தியாய் உன்னோனே கஹா கி வஹா பர் ஜோ லோக் ஃபிஷிங் கர்தே ஹே ஜோ मछुआरे हैं, तो उनके उनकी स्थितियों पर भी आज यहाँ पर ये बातें उठाएंगी, ये लोग बातें उठाएंगे। लेकिन जो किसान खेती करते हैं, तो अलग अलग किस्म के जो खेती अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होता है वहाँ पर, लेकिन पानी के संकट से भयानक स्थितियाँ हैं वहाँ पर। जो किसान हैं वो उनके लिए बहुत कठिन परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। वो दिल्ली में आकर के पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये सुनती नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसलिए आई हैं और 9 दिन के लिए यहाँ रुकने आई हैं, और संसद में शामिल होने के लिए खास आई हैं, और वो तमिलनाडु के किसानों की बात को और महिला तमिलनाडु की महिला किसानों की बात को यहाँ उठाई। शहर शहर की देखा हो, गाँव में जाके देखो, गाँव में कितनी भूखमरी, कितनी बेरोजगारी हो रही है, वह किसान कितना तंग पा रहे हैं। जो एक गरीब है ना, ये शहर में हमारे साथ जो टोला पे बैठा है, बॉर्डर पर बैठा, ये आ नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। घास लाना, पशु हैं, बच्चे हैं, वो कह रहे हैं हमारा तूड़ी मोल आओगी, हम खेत में घास ले आवेंगे, आप चले जाओ, हम गाँव में रहेंगे, गाँव में कोई प्रोग्राम हो हमने बुला लिया करो। बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं गाँव में, जब हम इकट्ठे करा है ना, जब मजदूर किसान सब एक है, डटे रहे हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाओ हैं। जितने ये काले का अनुरद नहीं होगे, इतने हम अड़े रहेंगे, और टोला पर बैठा या बॉर्डर पर बैठा, जित भी हमारा बुलावा ऊपर तक कॉल आओगे, हम खड़े रहेंगे। जब तक मोदी ने थक लेगा नहीं, इतना थका नहीं हम, इसने थका के पूरा करेंगे। मोदी को थका दोगे आप? जमा बजा देंगे, छोड़ना ही नहीं। इको लोग क्यों रहा है, शाम में आओ, जमर्द है तो शाम में आओ। कविता, आज आप महिला किसान संसद में आई, क्या संदेश आपको लगता है यहाँ से निकलेगा? आज आखिरी दिन है। देखिए, मुझे लगता है कि ये संदेश, सबसे पहला संदेश है कि हमारे संसद से ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर संसद चलाई गई, जहाँ पर देश के आम जनता के जितने कंसर्न के सवाल हैं, उन सारे सवालों को इतने शिद्दत से यहाँ उठाई गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई, किसान कानून हो, माने जो देश के कानून हैं वो कैसे बनेंगे, वो देश के लोग क्यों नहीं बता सकते? देश की सरकार जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से ऐसे कानून कैसे पारित कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि लोकतंत्र का जो सवाल है यहाँ बहुत स्ट्रांगली उठाया गया है। लोकतंत्र के सवाल में ये कि कल ही के कल इसी जंतर मंतर पर, इसी संसद सड़क पर, यहाँ पर नफरत भरा, हिंसा भरा, ये जो हिंदू वर्चस्ववादी जो संगठन है उनकी तरफ से यहाँ रैली की गई, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई, अभी तक गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं? होम मिनिस्टर क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? जो आतंकवादियों की भाषा यहाँ बोल गए उस पर जवाब साफ है कि इनको लग रहा है कि कल के नरेंद्र मोदी, कल के अमित शाह हम बन सकते हैं अगर हम इस तरह की भाषा बोलेंगे तो, जहाँ पर मुसलमान कौम के खिलाफ हिंसा नफरत की बात कह करके। और
महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ भी ये लोग ये बातें कह रहे हैं। जहां वो नरसिंहानंद जो दासना के हैं बाबा, वो बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां किससे प्यार करेंगी, किससे दोस्ती करेंगी। अरे भाई, यू शुड माइंड हिज बिजनेस, क्योंकि ये देश की महिलाएं तो खुद तय कर सकती है ना कि वो क्या करेंगी, नहीं करेंगी, प्यार करेंगी, किससे करेंगी। तो इसमें ये जो मुझे सबसे डेंजरस लगता है, जहां पर जिसको इसे यहां आज उठाया गया, वो ये कि ये खतरा, ये बात सिर्फ एक कानून की नहीं है, किसान कृषि कानून की बात है, कि ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो कि असली में फ्रंट्स हैं सत्ता सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए, उनकी मन की बात ये लोग कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विदेशी कानूनों को ख़त्म करो, 75 साल हो गए, देशी कानून बनाइए। विदेशी कानून में ये क्या सेडिशन को मानते हैं, क्या ये UAPA को मानते हैं? नहीं, इनका तो खूब इस्तेमाल करें इसके तहत आंदोलनकारियों को आतंकवादी बता करके गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन ये सचमुच में इनसे मतलब ये है कि संविधान जो है ये विदेशी कानून है, इसे ख़त्म करो और देशी कानून के नाम पर मनुस्मृति को लाओ। ये सचमुच खतरा है जिस बात को आज ये जो महिला किसानों का संसद है, जिसने खेती किसानी के सवाल को उठाया, महिलाओं के सवाल को उठाया, देश के लोकतंत्र और संविधान के सवाल को सबसे बढ़िया तरीके से उठाया। मैं चाहती हूँ कि कल का संसद ऐसा हो। महिला किसान संसद इस 13 दिन में 2 दिन चली, जिसमें 200 के करीब महिला सांसद आपके आए, किसान सांसद आए। आज जब ख़त्म हो रहा है ये किसान संसद, तब भी महिला किसान के ना हाथ में कमान है। क्या लगता है कि महिला किसान लीडर हो सकती हैं? इससे पहले कभी महिलाएं किसान में लीडरशिप नहीं आई? देखो बादशाह जी, आप जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, हम तो बराबर की गिनती उनकी रखते हैं, बराबर का उनको अधिकार देते हैं। ये हमारे समाज में आम चलता है। हमें खुशी है इस बात की कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की तरफ ध्यान दिया है। हम कोशिश की है कि ये महिलाएं भी और मर्दों के बराबर आएं और आंदोलन में उनका भी पूरा हिस्सा हो, वो ही कमांड करें, वो ही सेशन तय करें, वो ही एजेंडे तय करें, वो ही बहस करें। उनको हम जगह दी है, हम आगे सोचते हैं कि इनको आधा समा इनके लिए रखें और आधा समा हम मर्दों के लिए रखें। इसलिए इस जब तक ये महिलाएं साथ नहीं आती, नौजवान साथ नहीं आते, मजदूर साथ नहीं आते, तब तक ये जन आंदोलन है जो बड़ी रूप में बड़ी ताकत के साथ मथा लेने के लिए समर्थ नहीं होता। महिला किसान संसद से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा मैम। एक तो ये अवेयर होंगी, दूसरा जितनी महिलाएं जाएंगी, मीडिया ने कवर की है, बातचीत की है, महिलाएं हैं इनके, कितना बोलती हैं, कैसा बोल सकती हैं, कैसा लड़ सकती हैं, इनकी समर्थता है, लड़ने की चेतना आएगी। और दूसरी महिलाएं जो घरों में बैठी हुई हैं उनके ऊपर मीडिया के जरिए बात जाएगी। मर्द भी सीखेगा? मर्द भी सीखेंगे, जो मर्द औरतों से भी निकम्मे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं। आप लोग, आपको नहीं बोलता, आप भी तो अवेयर करेंगे ना इनको, हमारा सहयोग देंगे। इसलिए ये कारगर ही साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा आंदोलन के लिए, ये बल बख्शेगा इस आंदोलन को। किसान संसद से आज बिल्कुल साफ साफ ऐलान हुआ कि मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास है वो बढ़ गया है, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और साथ ही साथ कॉरपोरेट को देश छोड़ने का ऐलान किया गया। किसान संसद और ख़ास तौर से आज की तारीख 9 अगस्त को, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस दिन महिला किसान सांसदों ने ऐलान किया कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास बहुत गहरा हो गया है, इतना गहरा कि उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। तीनों कृषि कानून के खिलाफ यहां से ऐलान किया गया कि इन्हें तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ऐलान यह भी हुआ कि अब किसान तमाम जगहों पर देश के अनेक कोनों में जा जाकर तीन कृषि कानूनों के साथ साथ मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रचार करेंगे और कॉरपोरेट लूट के बारे में लोगों को बताएंगे। 5 राज्यों जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर किसान आंदोलन, किसान जत्थेबंदियां अपने मोर्चे को तेज करेंगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले ही किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं।